हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर। एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आज का आपका जो ये सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है। इसमें आपने जितनी भी प्रीवियस वीडियो देखी हैं उन सभी वीडियो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये इसमें हम आपको कंप्लीट बुक वर्क भी कराएंगे एंड एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कराएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। फर्स्टली, इस वीडियो को पॉज करके एक रफ नोटबुक एंड एक बॉल पेन अपने पास रख लीजिए, बिकॉज जब हम आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को पुटअप होने के बाद आपको उस वीडियो को पॉज कर देना है और उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। देन प्ले अगेन करके आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है और रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है, लेट्स रिव्यू में पेज नंबर 9 में आपकी बुक में है ये। हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन? किसने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था? आंसर इज चार्ल्स बेबेज। नेम द डिवाइस दैट यूजेस बीट्स फॉर कैलकुलेशन। कौन सी डिवाइस है, उस डिवाइस का नेम बताइए जो बीट्स से कैलकुलेशन करती है। आंसर इज अबेकस। When was Pascaline invented? Pascaline कब इन्वेंट किया गया था? आंसर इज इन 1641। Which device is capable of preparing mathematical tables? कौन सी डिवाइस मैथमेटिकल टेबल्स को प्रिपेयर करने में कैपेबल है? आंसर इज डिफरेंस इंजन। Now check your answers. Next, let's review. Tick here's the correct option. यहाँ आपको correct options पर tick करना है. Yes का mark. There are 4 or 5 generation of computers. Generation जो computer की होती हैं वो 4 होती हैं या 5 होती हैं? Answer is 5. This is the correct answer. ENIAC/CRAE is an example of artificial intelligence. इनमें से कौन सी ऐसा कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है? आंसर इज CRAE. सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है? आंसर इज सुपर कंप्यूटर्स। लैपटॉप और TINE-2 इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप और TINE-2 में ये दोनों, इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर की तरह का है, टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की तरह है? आंसर इज लैपटॉप। नाउ गो अहेड एंड डू द एक्सरसाइजेस। टिक यस द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स पर टिक यस करना है। हु इन्वेंटेड नेपियर्स बोन्स? नेपियर्स बोन्स का इन्वेंशन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर और लेबनिज। आंसर इज जॉन नेपियर। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर एज सर्किटरी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर और सर्किट्स का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आंसर इज सेकंड जनरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर का नहीं है? CRAE-1, IBM Z सीरीज और PDB-10। आंसर इज ए CRAE-1। Which of the following computer generation uses artificial intelligence? इनमें से कौन सा कंप्यूटर की जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती थी? सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आंसर इज फिफ्थ जनरेशन। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, माइक्रो कंप्यूटर्स जाने जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर्स। Now let's do fill in the blanks. These are the fill in the blanks and
These are the options. First is Philip used to look like a rectangular box with wheels. प्रयोग किया जाता है और वो दिखता है एक rectangular box की तरह और जिस पर wheels बने होते हैं. Used to look like a rectangular box with wheels. एक rectangular box की तरह दिखने वाला wheels के साथ क्या होता है वो? ऐसा कौन सी device है? Answer is Pascaline. Next. So, answer is this. Pascaline. Okay. The difference engine was invented by. Difference engine invent किया गया था. किसके द्वारा invent किया गया था? Answer is Charles Babbage. मैं इस पर numbers लिख देती हूँ, उससे आपको easily आप देख सकते हैं. Next. HP 9000 is an example of. HP 9000 एक example है generation computer का. Computer की generation का कौन सा example है? Fourth generation. Are used at homes, offices and schools. Office, homes और schools में use किया जाता है. क्या use किया जाता है? Answer is microcomputers. Microcomputers are used at homes, offices and schools. IBM 360 is a generation computer. IBM 360 कौन सी generation का computer है? Third generation. Answer is third. Now let's do true false. Write T for true and F for false. First is Charles Babbage invented abacus in the year 1837. Charles Babbage ने abacus का invent किया था 1837 year में. No, that is false. Vacuum tubes are used in second generation computers. Vacuum tube का use second generation computer में किया गया था. No, false. Mini computers are costlier than mainframe computers. Mini computers mainframe computers से ज़्यादा costly होते हैं. Answer is true. Mainframe computers are used in banks, stock exchanges and so on. Mainframe computers banks में, stock exchange में and so on बहुत सारी जगह पर use किए जाते हैं. True. AI stands for artificial invention. No. False. Now let's do Eva's activities John. Eva हमें कुछ activity करा रही हैं, उसको भी हम कर लेते हैं. मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है. एप्पल मैकिंटोस, एप्पल मैकिंटोस को क्या बोलते हैं? ये किस कंप्यूटर की अंडर आते हैं? आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर. पैरम किस कंप्यूटर के अंडर में आते हैं? रमेश सुपर कंप्यूटर. मैंने आपको बताया भी था कि सुपर कंप्यूटर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया. IBM Z सीरीज अंडर विच कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर. एंड PDP 11 अंडर मिनी कंप्यूटर. नाउ योर प्रैक्टिस सेशन बुक वर्क एंड एक्सरसाइजेस हैज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.